अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। जो स्टूडेंट्स, आज आपको मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की सैर करवाऊंगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में जो है वो एंटर होने लगा हूं, और आज आपको पूरी पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो सैर करवाई जाएगी। चलें चलते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। तो देखें जी, इस टाइम मैं पंजाब यूनिवर्सिटी एंटर हो चुका हूँ, और ये पंजाब यूनिवर्सिटी यहाँ पर एंट्रेंस है, और एंट्रेंस से मैं एंटर हो रहा हूँ। तो ये देखें जी, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर हो गया हूँ। तो अब यहाँ पर जो है एंट्रेंस में ही यहाँ पर दो रोड हैं, एक सीधा जा रहा है और एक लेफ्ट साइड पर जा रहा है। सबसे पहले हम लोग जो है लेफ्ट साइड पर जाएंगे, और आपको साथ साथ बताते जाएंगे कि यहाँ पर क्या क्या डिपार्टमेंट, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं और क्या इसका क्राइटेरिया। तो ये देखें जी, आपको दिखा रहे हैं साथ साथ पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोग एंटर हो चुके हैं। तो आप लोगों ने हमें कमेंट में लाजमी बताना कि पंजाब यूनिवर्सिटी आपको कैसी लगी है। ये देखें, अगर पीछे देखें वो क्रिकेट की पिच भी हैं, पिचेज भी हैं, यहाँ पर लोग मैच भी खेल रहे हैं। और अभी डिपार्टमेंट्स जो हैं वो आगे जाके आएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अगर आपको मैं लेफ़्ट साइड पर दिखाऊं तो लिखा आ रहा है पीयू प्रिंटिंग प्रेस। अगर इसके ऑपोजिट देखें तो यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस है, और आप सामने देखें यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है, एग्जामिनेशन ब्रांच है, कार पार्किंग इस साइड पर है। और ये अगर मैं राइट साइड पर अगर मैं कैमरा मारूँ तो ये एग्जामिनेशन सेंटर है, जिसका आप लोग अक्सर पूछते हैं मेरे से जी ये BA BSc का जो एग्जामिनेशन सेंटर है ये क्या है, ये कहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको मैं एक मिनट रुक के दिखा देता हूँ कि ये BA BSc का एग्जामिनेशन सेंटर है। अगर मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये देखें, ये BA BSc एग्जामिनेशन सेंटर है जिसके बारे में आप लोग सवाल पूछते हैं, तो ये एंट्रेंस में ही आ जाता है। और ये देखें, अगर मैं लेफ़्ट साइड पर उसके सामने दिखाऊं तो यहाँ पर MA MSc का डिपार्टमेंट है। यहाँ पर आप लोगों ने MA MSc की इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। चलें आगे चलते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये मस्जिद आ गई है। अभी आपको मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो बड़ी मस्जिद है, जामिया मस्जिद जिसको कहते हैं, जिसकी पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर पिक्स भी हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा कि माशाल्लाह कितनी खूबसूरत यूनिवर्सिटी है पंजाब यूनिवर्सिटी। तो ये देखते चलें, यहाँ पर लिखा आ रहा है जी PU मेन लाइब्रेरी, VC ऑफिस, तो तमाम आपको मैं विज़िट कराऊँगा। ये देखें जी, जिसकी आपने बहुत चर्चे सुने हैं, फैसल ऑडिटोरियम, यहाँ पर अगर मैं आपको रुक के एक मिनट दिखाऊँ तो यहाँ पर सबसे पहले तो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन आ रही है, उसके बाद यहाँ पर जो है फैसल ऑडिटोरियम आ रहा है। देखें, फैसल ऑडिटोरियम पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आपको ये दिखा रहा हूँ। ये जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ आपको दिखाता जा रहा हूँ कि यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी की ये फैसल ऑडिटोरियम है, ठीक है। तो अगर मैं राइट साइड पर दौड़ाऊँ नज़र तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो मोटरसाइकिल की पार्किंग आ गई है जाने दो। और ये पंजाब यूनिवर्सिटी में जो है मेन कैंटीन है, इसको कहते हैं मेन कैंटीन है। और अब यहाँ से मैं सीधा जाऊँगा, आपको डिपार्टमेंट सिखाऊँगा कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर देखें जी, ये डिपार्टमेंट शुरू हो गए हैं। IT सेंटर आ गया, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क आ गया यहाँ पर, उसके बाद यह बीप बैंक, अगर आपने सुना हो तो राइट साइड पर बीप बैंक भी यहाँ पर आ रहा है। तो ये देखें जी, अब आपको मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी है, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री है, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी है, और इस तरह डिपार्टमेंट्स जो हैं ये अंदर बने हुए हैं। तो इंशाल्लाह आपको अंदर की भी विजिट करवाएंगे किसी दिन। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी, और इस तरह डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। यहाँ पर आजकल स्पोर्ट गाला चल रहा है, तो ये स्पोर्ट गाला की जो है यहाँ पर वीडियोज़ वगैरह जो हैं वो आपको दिखाई जा रही हैं। तो ये देखें जी, अब डिपार्टमेंट्स आ गए हैं यहाँ, रोक थोड़ी देर। यहाँ पर देखें, डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स आ रहा है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर आ रहा है, और उसके बाद जो है आपके पास जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स आ रहा है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है। तो यहाँ पर अंदर जाके अगर आप लोग देखें तो सारे डिपार्टमेंट्स जो यहाँ पर आएंगे। चलें आगे चलते हैं। अगर हम लोग आगे देखें तो यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट ब्लॉक आ गया, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। और यहाँ पर आप लोग देखें, ये अंडर ग्रेजुएट ब्लॉक जो है, यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि अंडर ग्रेजुएट ब्लॉक क्या है, कहाँ पर है। ये देखें, पीछे इंस्टीट्यूट ऑफ बॉटनी आ गया, उसके बाद यहाँ पर आगे जाके आपको दिखाते हैं कि आगे क्या क्या हैं। अगर आपको मैं यहाँ पर मैं रुकता हूँ थोड़ी देर। ये चैप डिपार्टमेंट देखें जी, चैप डिपार्टमेंट आपने नाम सुना है, वह लोग कहते हैं ये चैप डिपार्टमेंट कहाँ पर आता है। तो ये देखें, चैप डिपार्टमेंट भी आ गया, और उसके बाद आ गया एडमिशन ऑफिस। ये एडमिशन ऑफिस है जी, सेंटर ऑफ हाई एनर्जी फिजिक्स इसके सामने है, जिसको चैप कह रहे हैं हम लोग, स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस का है। उसके बाद ये ऑफिस ऑफ द PRO VC, ये PRO VC वाइस चांसलर को जो है ये ऑफिस आ चुका है इस टाइम। तो उसके बाद आगे चलें तो इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री आ गया, इंस्टीट्यूट ऑफ बायोकेमिस्ट्री आ गया, बायोटेक्नोलॉजी आ गया, सेंटर ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड ड्रग डिज़ाइन आ गया। ये सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो
देखें माशाल्लाह अभी तक हम आपको दिखा रहे हैं तो कितना प्यारा यहाँ पर आप लोगों को कितना अच्छा लग रहा है। ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा है और राइट साइड पे भी आपको अगर मैं दिखा दूँ तो यहाँ पर ये बॉटनी का ही डिपार्टमेंट है। आजकल यहाँ पर पेंट्स वगैरह हो रहे हैं तो देख ही रखें स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, यही मैंने बताया था आपको कि अपोजिट साइड पर जो है ये स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस है। अभी इसका मेन गेट आएगा, ये देखें वो पीछे अगर नज़र आया आपको तो उसके बाद जो है आगे आपके पास आ गया जी स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस आ गया, ये देखें ठीक है स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस है। तो अब हम लोग यहाँ से हम लोग सीधा जाने लगे हैं फिर, और आगे जितने भी डिपार्टमेंट्स आपको मैं दिखाऊंगा। पाकिस्तान स्टडी सेंटर आ गया ठीक है, और इस साइड पे ये वो डिपार्टमेंट है जहाँ का आप लोगों को मैंने बताया था कि कोर्सेज वगैरह जो हैं वो करवाए जा रहे हैं। इसका नाम है जी इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो ये भी आप लोग एड्रेस देख लीजिए कि ये कहाँ पर है ठीक है, ये भी मैंने आपको दिखा दिया है सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसको कैसे कहते हैं। तो यही है वो डिपार्टमेंट। अगर आप लोगों को मैं फिर दिखाऊं कि स्टेट आप देखें तो स्टेट यहाँ पर देखें ये कितना कुछ लिखा आ रहा है, पीयू लॉ कॉलेज आ रहा है, जामिया मस्जिद आ रही है, पीयू मेन लाइब्रेरी आ रही है। तो वो कहता है देखें आप लोगों ने किस साइड पर जाना है। देखें हम लोगों ने अपना व्लॉग शुरू किया था लेफ्ट साइड से, तो हम लोग लेफ्ट पर ही जाएँगे, फिर एंड पर जब वापस जाएँगे तो राइट साइड कम्प्लीट करके पीयू से सीधा ही बाय। तो देखिए अब मैं लेफ्ट साइड पर जाने लगा हूँ, सबसे पहले आपको मैं मेन लाइब्रेरी दिखाऊँगा, उसके बाद जो है यहाँ पर आपको मैं ये जो मस्जिद है जामिया मस्जिद उसके भी सैर करवाऊंगा। तो ये देखें जी हम जा रहे हैं उस मेन लाइब्रेरी की जानिब। तो अभी आपको लेफ्ट साइड पर जो है वो मेन लाइब्रेरी नज़र आएगी, मेन लाइब्रेरी भी आपको दिखाई देगी यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊं। ये देखें जी पीयू मेन लाइब्रेरी आ चुकी है आपके पास, ये लेफ्ट साइड पे ही है। तो यहाँ पर ये देखें जी ये मेन लाइब्रेरी जिसका स्टूडेंट कहते हैं कि मेन लाइब्रेरी कौन सी है, तो ये उसकी एंट्रेंस है यहाँ पर मेन लाइब्रेरी की ठीक है। ये सारी मेन लाइब्रेरी है आप लोगों के पास पंजाब यूनिवर्सिटी की ठीक है। उसके बाद हम लोग सीधा जा रहे हैं आगे, राइट साइड पर देखें जामिया मस्जिद आ गई है जिसका आप लोगों ने बहुत नाम सुना है पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जिसकी पिक्स भी हैं। तो ये है जामिया मस्जिद आप लोगों के पास। तो उसके बाद यहाँ पर ये देखें ये बोर्ड लगा हुआ है, एक मिनट रोकें ज़रा, यहाँ पर सेंटर ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी आ रहा है पीयू, उसके बाद प्लांट नर्सरी आ रही है, हेले कॉलेज आ रहा है। तो ये देखें अब ये राइट साइड पर है क्योंकि हमने लेफ्ट से शुरू किया था, हम लोग राइट पर जा रहे हैं। तो ये अब देखें जी हम सीधा जाने लगे हैं। ये देखें जामिया मस्जिद माशाल्लाह कितनी खूबसूरत मस्जिद है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, ये देख सकते हैं आप लोग माशाल्लाह कितनी खूबसूरत मस्जिद है जामिया मस्जिद उसको कहते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से सीधा जा रहे हैं। तो आप लोगों ने हमें कमेंट में लाजमी बताना है कि आप लोगों को हमारा ब्लॉग किस तरह का लग रहा है, और इसके अलावा कोई अगर आप लोगों ने डिपार्टमेंट्स का कुछ पूछना है तो वो भी आप लोगों को मुकम्मल गाइड किया जाएगा, बाकी कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो ये देखें जी पंजाब यूनिवर्सिटी की सैर हम लोग कर रहे हैं, कितना प्यारा लग रहा है, आप लोग भी आएँगे और आप लोग भी चेक करेंगे कितनी प्यारी पंजाब यूनिवर्सिटी अंदर से बनी हुई है। अब ये हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स आ गया, यहाँ पर भी आपको मैं दिखाऊंगा। बरल उससे पहले जो है अगर मैं सीधा होता सीधा, अभी हम लोग सीधा जा रहे हैं राइट साइड, हम लोग बाद में कवर करेंगे सारी। तो ये हेले कॉलेज है, साथ साथ आपको हेले कॉलेज भी सैर करवा दी है। तो अब देखें जी स्पीड कर ले थोड़ी सी, ये वो हेले कॉलेज की यहाँ पर ये सारी ग्राउंड है हेले कॉलेज, देखें जी हेले कॉलेज है सारा। अभी हम लेफ्ट साइड जो है हम कवर कर रहे हैं, उसके बाद राइट कवर करेंगे। देखें यार कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी की लाइफ है, ये देखें जो आप लोगों के सामने है, देखें कितनी कितनी प्यारी खूबसूरत ग्राउंड्स हैं। हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी ग्राउंड्स होती हैं, मामूली तौर पर किसी की ना भी हो तो जो है वो बाहर कहीं क्रिकेट वगैरह हो जो वो खेल सकते हैं। हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स ये देखें, ये भी बिल्डिंग है वो तमीर हो रही है। तो ये सारी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ही है। तो आपको सारा कुछ यहाँ पर अगर मैं जूम करके दिखाऊँ तो मैं दिखाता हूँ आपको जूम करके। तो देखें पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो है आप लोगों ने सुना भी होगा जी, अक्सर अंडर पास आता है और पंजाब यूनिवर्सिटी का उधर लोगो लगा होता है, वो अंडर पास लोग पूछते हैं कहाँ पर है, तो हम उनको बताते हैं जी ये अंडर पास जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ही आ रहा है ठीक है। तो ये हेले कॉलेज आ गया, तो हेले कॉलेज ये देखें ये अंडर पास है सारा ठीक है। ये इसी अंडर पास की बात की जाती है, अंडर पास है ठीक है, ये वही अंडर पास है। उसके बाद एक और अंडर पास है वो भी आपको दिखाएंगे, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। लो जी ये आ गया डिपार्टमेंट मैथ्स कम्युनिकेशन जिसका आप लोगों ने बड़े चर्चे सुने जी, मैथ्स कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट कहाँ है, मेरे से बड़े लोग पूछते हैं जी मैथ्स कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट पीयू में कहाँ आता है। तो देखें जी ये आ गया मैथ्स कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, मीडिया से रिलेटेड जो है सारी फील्ड यहाँ पर है, देखें नज़र आ रहा है आपको स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ ठीक है। तो ये तमाम जो है वो इसके अंदर कवर कर रहे हैं हम लोग, ये उसकी ग्राउंड है, ये उसका पार्किंग स्टैंड आ गया। तो
ये देखें जी, ये सारी ग्राउंड है मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की। अब देखें यहाँ से अगर हम लोग सीधा जाएंगे ना, ये देखें अगर आपको मैं दिखाऊँगा, यहाँ से अगर मैं सीधा जाऊँगा तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी की जो है वो एंड हो जाती है। एंड इससे आगे भी डिपार्टमेंट हैं लेकिन वहाँ पर हम लोग नहीं जाएंगे, सिर्फ हम लोग जो है यहाँ पर ही रहेंगे। तो अब हम लोग राइट यहाँ से मुड़ने लगे हैं, राइट जाएंगे फिर आगे से फिर लेफ्ट जाएंगे, लेफ्ट घूमेंगे फिर इधर आएंगे वापस, फिर हम लोग लेफ्ट साइड सारी जो है राइट साइड सॉरी कवर कर लेंगे। तो ये देखें आप लोग, अच्छा ये आ गया जी जन्नत रोड, जहाँ पर कहा जाता है जी जन्नत रोड है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स कम्युनिकेशन की आप लोगों को दिखाया, ये सामने ही है। और ये जो अब जन्नत रोड है ये वही सारा जन्नत रोड कह रहे हैं जिसको। तो जी ये आगे आपके पास डिपार्टमेंट्स आएंगे, आपको दिखाता हूँ देखें। उसके बाद आपको पंजाब यूनिवर्सिटी में जो ग्रीनरी है वो भी दिखाई जाएगी, वो कहाँ पर है वो मैं उधर एंड पे जाऊँगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये डिपार्टमेंट अब आ गया, साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट यहाँ पर आ चुका है। तो उसके बाद यहाँ पर एक और डिपार्टमेंट है, यहाँ रुकी थी आगे जाके, यहाँ पर एक और डिपार्टमेंट आ चुका है, ये IAS है, ठीक है, ये IAS डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस टाइम जो है वो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं ग्राउंड में। और ये यहाँ पर इंग्लिश डिपार्टमेंट भी आएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। ये देखें पीछे इंग्लिश डिपार्टमेंट था, राइट साइड पे अगर देखें तो इंग्लिश डिपार्टमेंट चल रहा है। तो और ये सामने जो है IBIT डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पर दो मिनट हो गए, यहाँ पर इंस्टीट्यूट बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक हो गया। ये यहाँ पर देखें ये डिपार्टमेंट, मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये डिपार्टमेंट है। और पीछे से आपको रोड भी मैं दिखा देता हूँ, ये रोड था जहाँ से हम लोग आ रहे हैं। तो ये वही रोड है जहाँ पर इंग्लिश डिपार्टमेंट है, IBIT डिपार्टमेंट है, IBA है, ये सारे डिपार्टमेंट यहाँ पर ही आ रहे हैं, ठीक हो गया। IAS भी है यहाँ पर है, और ये मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये डिपार्टमेंट IAS के, IAS देख लें, इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस IAS, ठीक है, इसका आप लोगों ने बहुत नाम सुना। चलें आगे चलते हैं, थोड़ा इसको मैं जूम इन भी करूँगा और जूम आउट भी करूँगा ताकि आप लोग जूम इन पे ना कहें जी जूम इन किया हुआ है। ओके ये देखें जी PU ग्रेवयार्ड आ गया, यहाँ नहीं के कब्रिस्तान जो है जहाँ पर हम लोगों ने हर किसी ने जो है एक ना एक दिन चले ही जाना है। ये देखें जी PU ग्रेवयार्ड आ गए यहाँ, तो ये PU ग्रेवयार्ड है पिछली साइड पर, अगर आपको मैं जूम इन करके दिखाऊँ तो यहाँ पर जी ये UBL बैंक आ गया जो कहते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी एग्री, ये देखें फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस आ गई है। तो ये सारी यहाँ पर साथ साथ ही डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, किसी भी डिपार्टमेंट का आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये देखें कैफेटेरिया आ गया, यहाँ पर भी एक कैफेटेरिया आ गया जिसको मिलीनियल्स भी अक्सर कहते हैं, यहाँ पर देखें आप लोग। अब यहाँ पर देखें एक और डिपार्टमेंट आएगा जी MMG इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिकुलर जेनेटिक्स, ये भी एक डिपार्टमेंट है। चलें जी अब हम लोग चलते हैं आगे से, लेफ्ट साइड भी हम लोग जा रहे हैं। तो अब ज़रा हम ज़रा थोड़ी स्पीड इसको तेज़ कर लेते हैं। तो ये देखें जी ये साइड सारी राइट जितनी भी साइड है सारी हम लोगों ने एंड पे कवर करनी है। हम लेफ्ट पे जा रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग, जो भी जितने भी हैं, ये देखें लेफ्ट पे हम लोग यहाँ से मुड़ गए हैं। तो जी लेफ्ट साइड पर हम लोग जा रहे हैं, ये देखें जी पंजाब यूनिवर्सिटी है सारी। ये आ गया जी कॉलेज ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस, ये देखें जी राइट साइड पे आ गया, यही इसने एरो दिया था, यही हमने आपको एरो जो है वो दिखाया राइट साइड पर जो है वो डिपार्टमेंट आपका जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आगे चलें तो आगे भी आपको दिखाएंगे कि आगे भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स आ रही हैं, ग्राउंड्स आ रही हैं, सारी आपको दिखाएंगे। कि अगर आप लोग भी स्टूडेंट हैं और व्लॉग हमारा देख रहे हैं तो आप लोग भी पंजाब यूनिवर्सिटी आएँ और विज़िट करें। और उसके बाद जो है यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट आ गया इस साइड पर, ये देखें यहाँ पर अभी ज़रा चल रहा है इनकी जो है पेंट वगैरह हो रहे हैं, बन रही है बिल्डिंग जो है। डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज़ ये आ गया जी, जेंडर स्टडीज़ डिपार्टमेंट है, ठीक है, PU के अंदर ही जेंडर स्टडीज़ डिपार्टमेंट है, और ये उसकी ग्राउंड है सारी। और उसके बाद अगर हम लोग आगे चलें तो ये फ़ोटो कापी वाली शॉप्स भी यहाँ पर हैं, हर डिपार्टमेंट की मौजूदी तौर पर होती हैं। तो इस तरह ही है यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये आ गया जी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल कल्चर स्टडीज़ है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट स्टडीज़ आ गया, ये सारे डिपार्टमेंट यहाँ पर ही हैं। तो अगर हम लोग आगे जाएंगे तो फिर आप देखें पंजाब यूनिवर्सिटी का एक और गेट आ गया, जो गेट नंबर क्या कहते हैं, क्रीम ब्लॉक वाली साइड पर जो गेट आता है ये, वो सामने गेट आ गया आपका, ये पंजाब यूनिवर्सिटी का गेट है, ठीक है। ये सारी यहाँ पर एक और डिपार्टमेंट आ गया ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस साइंस, ठीक हो गया, ये स्पेस साइंस डिपार्टमेंट यहाँ पर आपको आ गया। और आगे सारी ये ग्रीनरी आ गई है, ठीक है। अगर इन ग्रीनरी का आपको मैं विज़िट करवाऊँ, लेकिन अभी नहीं, ग्रीनरी का विज़िट बाद में होगा। एक और डिपार्टमेंट अगर रह गया, सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड माउंटेन रिसर्च, ये सारा डिपार्टमेंट है, ठीक है।
ये सारे डिपार्टमेंट है, मैं जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ, नाम यहाँ पर लिखा आ रहा है। उसके बाद ये सारी ग्रीनरी आ गई। अब हम आगे से यहाँ से मोड़ेंगे, वो जो गेट है गेट के पास यहाँ से मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद जो है फिर हम लोग दूसरी साइड कवर करेंगे। ये देखें जी, इस साइड पे भी एक डिपार्टमेंट आ रहा है, ये भी आपको दिखाते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो कितनी बड़ी है। ये देखें जी, पॉलीमर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, ये पॉलीमर का डिपार्टमेंट आ चुका है, ठीक हो गया। यहाँ तक ये लास्ट डिपार्टमेंट जा रहा है इस साइड पे। और अब देखें जी, हम लोगों ने इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलीमर भी कवर कर लिया। यहाँ से आगे से हम लोग यहाँ से मुड़ने लगे हैं, यहाँ से मुड़ने लगे हैं। यहाँ पर देखें सारे ये ग्रीनरी आ गई है, लेफ्ट साइड पर भी राइट साइड पर भी ग्रीनरी है। अब आप लोग ये ना समझें कि मैं गाँव आया हूँ, ये गाँव नहीं है, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ही ग्रीनरी है सारी, ठीक है। इसलिए आप गाँव समझ सकते हैं, गाँव नहीं है ये, कहने को आपको कह सकते हैं गाँव, लेकिन ये गाँव नहीं है, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ही है सारे, ठीक है। जितने डिपार्टमेंट्स हैं सारे आपको मैंने दिखाए हैं। अब ये तो नहीं ना कि पूरी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट ही डिपार्टमेंट्स बना दें, बाकी ग्रीनरी भी होनी चाहिए, सारा कुछ है, इधर स्पोर्ट्स है, उसके अलावा बहुत चीज़ें हैं। तो हमने जी ये साइड सारी क्लियर कर लिया, मैं राइट साइड की तरफ जाने लगा हूँ, ठीक हो गया। ये राइट साइड पर मेरा कैमरा जो है वो राइट साइड पर रहेगा। तो देखें, ये हमारे साथ हमारे एक दोस्त हैं, वो बाइक चला रहे हैं, इनसे पूछते हैं भाई आप थके तो नहीं हैं? अच्छा, वो कह रहा अभी तक मैं नहीं थका, हमारा डेली का काम है, क्या थकना है। अच्छा, वो कह रहा हमारा डेली का काम है। अच्छा अच्छा भाई, डेली का काम है आपका व्लॉग बनाना, व्लॉगर हैं आप यानी? अच्छा अच्छा, हमारे साथ रह के व्लॉगर बनना है आपने, सही हो गया। तेज़ करते हैं आप यहाँ से, क्योंकि अभी ये 16 मिनट की वीडियो बन चुकी है, फिर हमारे व्यूवर्स कहते हैं जी इतनी लंबी वीडियो आपने बनाई है और मज़ा भी कोई नहीं आया, इसलिए मैंने कहा ज़रा स्पीड तेज़ कर दें, ताकि आप लोग कहें ना बार बार आप लोग यही चीज़ जो है वो उसको बना रहे हैं, हम लोग उसको देख रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ले जी अब हम लोग जाएंगे यहाँ से राइट साइड पे जाएंगे, राइट साइड का एरिया कवर करना सारा। ये देखें यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे, करेंगे आपको कैमरे नजर आ। तेज कर दिया, राइट साइड पे मोड़ लीजिए, हाँ हाँ ठीक है, जहाँ जाना चलते हैं। अब उसके बाद जो है जी एंड पे आपको बस स्टॉप भी दिखाएंगे कि पीछे का बस स्टॉप कहाँ पर आता है, तो वो भी आपको सारा इंशाल्लाह विज़िट करवाएंगे। ये गेट आपको पहले एंट्रेंस पे दिखाया, ये गेट आपको ये दिखा दिया, दो गेट आपको अभी तक दिखा दिए मैंने पीछे के, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग जो हैं वो अपने ब्लॉग का स्टॉप कर रहे हैं, और स्टॉप करके आगे जाके मैं उसको दोबारा ओपन करूँगा, क्योंकि ये सारा रोड मैंने यहाँ से थोड़ा सा रह गया, वो भी आपको दिखा देते हो यहाँ से, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने, बस खुश रहना आप लोगों ने, ठीक है। और कमेंट करना, अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं आप लोगों ने, पर हमें बताना कि पंजाब यूनिवर्सिटी की सैर आपको कैसी लगी है। तो देखें हवा इतनी तेज़ चल रही है, तो मैंने पहले सोचा था कि यार 4-5 लोग हमारे साथ होंगे, क्या हमारे साथ होंगे, लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी जरा अच्छा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो चेक करते हैं यार कि व्लॉग किस तरह जो है वो आप लोग को अच्छा लगेगा। लो जी, आपको भी मैं रोड पर ले आया हूँ, तो रोड पर आप दिखाते जा रहे हैं, ये रोड जा रहा है, यहाँ से ज़रा हम स्पीड पकड़ते हैं थोड़ी सी, तो वहाँ भी बहुत ज़रा तेज़ चल रही है इस टाइम। बस का स्टैंड भी आप लोगों को दिखाते हैं, उस साइड पे डिपार्टमेंट भी आएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे, राइट साइड पे सारे यहाँ से कवर करेंगे, फिर आपको पंजाब यूनिवर्सिटी के पूरे अंडरपास की सैर करवाई जाएगी, ठीक हो गया। ये देखें, ये वही डिपार्टमेंट अभी बताया था, मैथ्स कम्युनिकेशन, ठीक है, मैथ्स कम्युनिकेशन सारा डिपार्टमेंट वही है, मैथ्स कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट है। और अगर हम लोग राइट साइड पे चले हैं, तो राइट साइड पे आप लोग देख रहे हैं कि ये आपके पास आ रहा है जी, यहाँ भी अब एक पीजू का गेट आएगा, ठीक है, ये गेट भी आपको दिखाएंगे, पीजू को टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों। बिलाल भैया आप भी थोड़ी सी बात करते हैं,
सर आप हैं ना काफ़ी बात करने के लिए हमें क्या। नहीं नहीं आप भी ज़रा इनको बताएंगे कहाँ कहाँ पर आप विजिट कर रहे हैं। मुतासर होते हैं हम भी विजिट कर रहे हैं। नहीं नहीं हमारी आवाज़ से मुतासर होती है लेकिन आपकी आवाज़ में मुतासर करना चाहते हैं इस्लामिक सेंटर का। अच्छा अच्छा इस्लामिक सेंटर है, इसके बाद यहाँ पर एक बस स्टॉप आएगा। अच्छा उसके बाद हमें वापस आना है, वापस आने के बाद हमें सारा होटल एरिया कवर करना है। सही हो गया, यानी कि वो क्या इस्लामिक सेंटर है आपको दिखाते हैं, उसके बाद पहले बस स्टॉप आएगा कह रहे हैं, उसके बाद इस्लामिक सेंटर है आपको दिखाएंगे। चलो चलते हैं। तो जी ये सारा हम लोग जा रहे हैं जी, ये गेट आ गया, ये गेट से हम लोग बाहर आ गए हैं, उसके बाद हम लोगों ने सीधा ही जाना है। सीधे हम लोग जाएंगे तो ये देखें जी बस स्टॉप आ चुका है, पंजाब यूनिवर्सिटी का बस स्टॉप है ये। ये सारी यहाँ पर बसें वगैरह जो हैं वो खड़ी हुई हैं। ठीक हो गया, तो अब आगे जाएंगे तो इस्लामिक सेंटर आएगा, इस्लामिक सेंटर भी आपको दिखा देंगे इस्लामिक सेंटर क्या है। उसके बाद यहाँ पर इस कोने पर भी जाएंगे पंजाब यूनिवर्सिटी के, ये कहाँ पर है तो पंजाब यूनिवर्सिटी की साइड जो है वो बड़े मज़ेदार है, आप लोग देख रहे हैं जैसे कि मज़ा आ रहा है, हमें भी हम इंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद आपको पंजाब यूनिवर्सिटी का जो ग्रीनरी वाला हिस्सा है इधर मैं दोबारा आपको दिखाऊंगा, जो उस साइड से मैंने आपको सारा दिखा दिया हुआ है, लेफ्ट साइड मैंने सारी कवर कर चुका हूँ। आप राइट साइड आ गई, आ गया जी आपके पास इस्लामिक सेंटर। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी में एक इस्लामिक सेंटर आ गया। ठीक है जी, अब यहाँ से थोड़ी स्पीड हम तेज़ करेंगे, ज़रा स्पीड तेज़ होगी और यहाँ से आपको सारा ग्रीनरी वाला हिस्सा कवर करेंगे। ठीक है, ये मस्जिद है यहाँ पर मेरे ख्याल से इस्लामिक सेंटर की, देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है। तो ये देखिए आपको जूम इन करके दिखा रहे हैं सारी जी, पंजाब यूनिवर्सिटी का फिर ग्रीनरी वाला हिस्सा आ गया। उस साइड से मैं कवर कर गया था, सारी साइड कवर हो चुकी है। अब ये राइट साइड, ये सारी राइट साइड आप लोग देख सकते हैं। ठीक हो गया, ये राइट साइड यहाँ पर मैंने सारी कवर कर ली है। ये देखें कितना प्यारा, कितनी प्यारी ग्रीनरी है। आप लोगों को लगना भाई ये ग्राउंड ये उधर है गाँव में है, चीज गाँव में नहीं है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर हिस्सा है, सारा कुछ पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है। पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स भी हैं, सारा कुछ है, रिहाइश के लिए सारा कुछ भी आपको दिखाएंगे। तो ये देखें ये यहाँ पर एक और भी डिपार्टमेंट आया, देखते हैं कौन सा डिपार्टमेंट, अगर आपको ये भी नहीं मैंने दिखाया ये भी आपको दिखाऊंगा। तो देखें जी ये पंजाब यूनिवर्सिटी का आखिरी कोना आ चुका है, यहाँ भी पंजाब यूनिवर्सिटी ख़त्म हो रही है, यहाँ पर भी ये गेट आएगा। तो अभी तक मैंने आपको टोटल जो गेट दिखा दिए हैं वो चार गेट पीछे गुजर गए हैं, अब ये पाँचवा गेट आ गया यहाँ पर। ठीक है, सेंटर ऑफ क्लिनिक साइकोलॉजी, ये भी एक डिपार्टमेंट है यहाँ पर, ये भी आप लोग देखते चले। लो जी ये एक गेट आ गया फाइनल, अब यहाँ से मैं दोबारा मोड़ूंगा बाइक, जो है गाड़ी मैं दोबारा मोड़ने लगा हूँ। तो चलें जी यहाँ से मोड़ते हैं गाड़ी, यार गाड़ी मोड़ते हैं। अब हम लोगों ने कहाँ जाना है जी, अब हमारे पास जितने भी डिपार्टमेंट सारी कवर हो चुके हैं, अब कुछ डिपार्टमेंट्स रह गए वो भी आपको दिखाएंगे। उसके बाद जो है फिर हम लोग बिलाल भाई से पूछेंगे जो साथ मेरे आए हुए हैं इस टाइम, कि आपने किस से कितना इंजॉय किया पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। तो अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं स्ट्रेट। ठीक हो गया, ये देखें जरा कितना प्यारा रोड है, देखें कितनी ग्रीनरी है। एम बिलाल भाई आप भी बात करें उनके साथ। तो नाज़रीन अब हम जा रहे हैं हॉस्टल रोड, अब हमने कवर करना है हॉस्टल रोड। तो ये सारा कंप्लीट हमने कंप्लीट कर लिया इस्लामिक सेंटर वाला, और जैसे कि इस्लामिक सेंटर में एक मस्जिद भी खूबसूरत, और इसके अलावा डिपार्टमेंट है हमारे पास क्लिनिकल साइकोलॉजी का। तो अब हम वापस जा रहे हैं हॉस्टल वाली साइड पर। अब हमने क्या करना है, अब हमने हॉस्टल एरिया कवर करना है, वहाँ से होते हुए हमने दोबारा जहाँ से हम इंटर हुए थे गेट नंबर 1 से, तो हमने उस साइड पर जो जो डिपार्टमेंट आते हैं हमने कवर करने हैं। सारा कुछ बता दिया आपको हमारा, क्या मेन थीम है इसका, मेन मकसद क्या है, हम लोगों ने घूमना है। तो बहुत से लोग कहते थे जी पंजाब यूनिवर्सिटी क्या है, पंजाब यूनिवर्सिटी में कौन कौन से डिपार्टमेंट है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको पंजाब यूनिवर्सिटी की सैर करवाया करेंगे। इंशाल्लाह ट्राई तो करेंगे कि रोज़ाना ही हो, लेकिन डिपेंड करता है टाइम के मुताबिक, अगर टाइम होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक शहर ही आप लोगों को बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे के जाएगी। ये देखें जी बसें आ रही हैं, बस का स्टैंड यही मैंने आपको बताया था जी, बस का स्टैंड ही है, वो सारा बस का स्टैंड है, यहाँ पर बस आ रही है। वो देखें सामने देखें तो बस जा रही है अपने स्टैंड में, ये देखें स्टैंड के अंदर एंट्रेंस हो चुकी है इस टाइम। तो ये सारा व्लॉग था हमारा, तो अभी देखना हम लोग फिर गेट से एंटर होंगे, तो एंटर होंगे जो, तो यहाँ पर ज़रा थोड़ा सा पूछते हैं वो कि आप लोग क्या कर रहे हैं ये, तो वो सारा कुछ हम लोग करते हैं, इसको डील करते हैं, मैनेज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ज़रा थोड़ा सा मैं रोक देता हूँ, क्योंकि एंट्रेंस है, एंट्रेंस पर ज़रा मैं स्टॉप कर रहा हूँ उसको, उसके बाद जो है इंशाल्लाह इसको आगे से ओपन कर लेते हैं हम लोग। ठीक हो गया, अच्छा जी ये देखें जी हम फिर एंटर हो चुके हैं, तो अब आपको दिखाएंगे फिर डिपार्टमेंट। और बताएं आप लोग हमें कमेंट में बताते चलेंगे आप लोग इस टाइम किस तरह का फील कर रहे हैं, और आप लोग क्या कर रहे हैं इस टाइम, हमें हर लाजमी बताएं।
और हमें ये भी बताएं कि आप लोग क्या क्या कर रहे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप लोग, वट एवर जो भी आप हम लोग हमें कमेंट में बताएं। तो देखें जी, अब हम लोग आ रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, जो है वो अंडर पास हैं, आपको बताया था कि दो अंडर पास हैं, तो अभी अंडर पास भी आपको पूरा विजिट कराएंगे, टेंशन नहीं लेनी आपने, बस चौकस होकर बैठना। इंस्टीट्यूट ऑफ यहाँ पर क्वालिटी टीच मैनेजमेंट आ गया, ये देखें सारा से FQISE कहते हैं। लो जी अंडर पास की सैर, सारे समझते हैं जी, अक्सर लोग लगाते हैं जी, स्टेटस पर भी लगाते हैं, इंस्टाग्राम पर लगाते हैं, फेसबुक पर लगाते हैं जी, भाई अंडर पास कहाँ का है। तो अंडर पास पहचानना हो तो लोगों को लगता है कि नहर का अंडर पास जा रहा है। जब पहली दफ़ा मैंने देखा था तो मैं अभी कंफ्यूज हो गया था कि अंडर पास तो नहर वाले ही हैं, होटल आते ही नहीं हैं, लेकिन ऊपर देखें ऊपर लिखा हुआ PU का अंडर पास, लेकिन अब दूसरा अंडर पास जो है कि वहाँ से समझ नहीं लगती, लेकिन ये बैच आपको बताता है कि ये PU का अंडर पास है। देखें ज़रा कितना प्यारा है, तो ये देखें जी इस टाइम ये अंडर पास आ गया, ज़रा थोड़ा सा नाइट मोड हो जाता है, आपको पता है जब अंडर पास के नीचे आओ जब, तो ये देखें ऊपर देखें ये सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं ऊपर, ये सब हॉस्टल, अब यहाँ पर हॉस्टल क्या आ जाएगा आगे वो भी आपको दिखाएंगे, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ये हॉस्टल एरिया आ गया है, लेफ्ट साइड पे हमें कहा बिलाल बिन, तो हम लेफ्ट साइड पे आ गए, ठीक है। ये देखें जी लेफ्ट साइड पे हम आ चुके हैं इस टाइम, और ये हॉस्टल एरिया कवर हो रहा है, ये गर्ल्स हॉस्टल आ गया PU में, ठीक हो गया। यहाँ पर बॉयज़ हॉस्टल भी हैं, वो भी आपको दिखाएंगे, ये सारे गर्ल्स हॉस्टल हैं, तो ये हॉस्टल सारे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आगे जाके हॉस्टल दूसरे भी आएंगे, वो भी सारे आपको दिखाएंगे, टेंशन नहीं लेनी आपने। अक्सर लोग मुझे कहते रहे सारे हॉस्टल पे वीडियो बनाए, हॉस्टल भी बनाए, तो देखें आज मौका आ ही गया PU के ब्लॉग के अंदर सारा कुछ कवर कर लिया। तो पंजाब यूनिवर्सिटी की सैर जो की है हम लोगों ने, ये अभी तक हमें 26 मिनट हो चुके हैं, तो सैर तो पंजाब यूनिवर्सिटी बहुत लंबी है, लंबी सारी हमने आप लोगों को 26 मिनट में अभी तक करवा दी है। तो उसके बाद आपको पंजाब यूनिवर्सिटी का क्रिकेट ग्राउंड भी दिखाएँगे। ये देखें जी हॉस्टल आ गए सारे, यहाँ पर SCC का भी बड़ा आपने चर्चा सुना है, SCC क्या है, तो STC जो ये STC भी आ गई है भाई, ये सारी STC है आपके पास, ठीक हो गया कि सारी STC इस टाइम हम लोग देख रहे हैं, ये STC हो बैक साइड पर सारी STC है, यहाँ पर आप लोगों को मुख्तलिफ शॉप्स, खाना खुना सारा कुछ शॉप्स भी मिलेंगी, सारा कुछ यानी कि बाजार वाली सारा प्रोटोकॉल मिलेगा आपको, ठीक हो गया। और मज़ीद डिटेल बिलाल भाई आपको बताएंगे। ये हमारे पास STC आ गया है, और यहाँ पे आपको हर चीज़ अवेलेबल है, ईच एंड एवरी थिंग जो कि आप सोचते हो, तो ये एक सबका बाजार ही है। तो जाने दें STC में, जाने दें STC में, हम इसका विजिट करते हैं STC का। ये देखें ये हमारे पास है STC आ गया है, STC की बैक साइड आ गई है, अब हम आपको फ्रंट से इसका करवाते हैं विजिट। लाल भी लगता है आपको भूख लग गई, आप थक गए हैं यार, कुछ खिला दो, भूख बहुत लग रही है मुझे। बिलाल खाना ये देखो, अच्छा भूख लग रही है, चलो आपको कुछ खिलाते बिलाते भी हैं। ये देखें ये सारी STC आ गई है इस टाइम, ठीक हो गया, ये सारी STC है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये शॉप्स वगैरह हैं, सारा कुछ है। तो बिलाल भाई ने कहा जी अभी खाना खाना है, तो खाना भी खिला देते हैं इनको अपने अपने ब्लॉग के अंदर, ज़रा पहले ब्लॉग कम्प्लीट कर लें। तो ये देखें जी सारा कुछ ठीक हो गया, ये सारी STC है। चलो जी बिलाल भाई चलते हैं आगे। लो जी STC से बैग जो आ रहे हैं, SCC की भी शायद आपको करवा दी है हम लोगों को, ओके हो गया, अब चलते हैं बैग। अब कहाँ जाना है हम लोगों ने, हॉस्टल जाना है, अच्छा 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 अंडर पास क्रॉस करना है, वो हॉस्टल वाला सही होगा फिर, यानी कि PU के अंदर चले जाना है, ओके हो गया, सही हो गया सही हो गया। चलो जी अब दोबारा हम लोग जा रहे हैं जी हॉस्टल, इसके अलावा कोई सवाल सवाल होगा तो आप लोगों ने लाजमी हमारे से पूछना, ठीक है। अच्छा जी पीछे मैंने कितने गेट गिनाए थे आपको, 4-5, 5वां गेट था सामने, देखें जी फिर एक और गेट आ गया PU का, इसी से कहते हैं हॉस्टल वाला गेट, वो भी हो गया। मैं आपको जूम इन करके दिखा दूँ, थोड़ा सा दिखा दूँ, ये देखें वो सामने गेट आ गया है, वो भी गेट है, तो यहाँ से लेफ्ट हो गया। लो जी
एक और पंजाब यूनिवर्सिटी का अंडरपास आ गया इस टाइम, अगर आपको मैं दिखाऊं। एक मिनट रुक, आ जा यार आ जा। एक और हमारा दोस्त हमें मिल गया था, हमने कहा उसको भी हम जरा साथ ही घुमाएं अपने, तो देखें जी ये यहाँ पर, अगर आपको मैं रोक के दिखाऊं तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी का अंडरपास है भाई। ये देखें बिलाल भाई इस टाइम गाड़ी चला रहे हैं, तो ये देखें ये सारा अंडर पास आ गया। देखें हमारा एक और दोस्त आ गया, तो साथ उसका भी हम लोग ने इन्वॉल्व कर लिया। कोई बात नहीं, खैर है, आ जाओ चलते हैं, बैठो आ जाओ हमारे साथ, आगे हो यार बिलाल भाई, इस भाई को भी बुलाते हैं, आ जाओ। लो जी बोल कुछ भी यार, बताओ इनको पीयू के बारे में कुछ, क्या बोल यार। ये देखें जी पंजाब यूनिवर्सिटी का अंडर पास आ गया। लोग कहते हैं पता नहीं क्या होता अभी, लोग समझ नहीं लगती है, इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ये है वो है, तो सारा कुछ आ जाता, आप लोग देखें बस। लो जी पंजाब यूनिवर्सिटी का एक और अंडर पास आ गया। फिर इस ऐसे ही बात बताऊँ, अंडर पास की पिक लगा के कहते हैं अंडर पास कहाँ गया, तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी का अंडर पास है। ठीक हो गया, सारे अंडर पास आपको विजिट करा दिए पंजाब यूनिवर्सिटी के भी। और यहाँ पर देखें जी ये लोगों से पहचान होती है पंजाब यूनिवर्सिटी के, इसकी ये हो जी, इसकी हमने पिक ले लिया इसके दूमा उनका। लो जी अंधेरा मोड आ गया, नाइट मोड आ गया जी अंडर पास। लो जी इतना प्यारा मंजर आ रहा जी यहाँ पर अंडर पास का, हर तरह का माहौल आपको यहाँ पर मिलेगा। ले जी 25 मिनट हो चुके हैं हम लोग पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर दोबारा आ गए हैं। जो डिपार्टमेंट्स रहते थे वो ज़्यादा हम लोग कवर करेंगे, तो ये एरिया सारा हम लोगों ने कर लिया, जो जी को कवर कर सारा ठीक हो गया। आपका लॉ कॉलेज दिखाते हैं, उसके बाद हम लोग वहाँ से जो रोड है उसमें हम लोग रोड पर चल जाएँगे, अगली साइड से रोड पर चल जाएँगे, ये लेफ्ट लेफ्ट तो लेफ्ट आ गया, लेफ्ट से सीधा ही देखें ये वही जगह यहाँ से आपको विजिट करवाया, लेकिन अब हम लोग लेफ्ट गए थे, मैंने कहा था ना मैं राइट कवर करवाऊँगा सारा, सीधा जाएँगे यहाँ से हम लोग। यहाँ से अब हम लोग जाने लगे हैं सीधा, तो यहाँ से भाई हम ये सीधा जाएंगे क्योंकि लेफ्ट साइड सारी मैंने कवर करवा दी हुई है। ओके हो गया। हेलो जी ये सीधा आ गए हम लोग यहाँ पर लॉ कॉलेज की जानी, यहाँ पर ये लॉ कॉलेज वाला हिस्सा आ गया सारा, ये ग्राउंड आ गई है क्रिकेट की, देखिए कितनी बड़ी ग्राउंड है यहाँ पर, ज़रा रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ है इसलिए आपको ज़रा धूप लग रही है थोड़ी थोड़ी, यहाँ पर कैमरे में भी नज़र आ रही होगी। तो ये सामने देखें आप लोग लॉ कॉलेज की ग्राउंड आ गई है, ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँगी ठीक है, वो उसके पीछे पीछे बनी हुई है, और ये पहले कॉलेज है, पीयू लॉ कॉलेज, ये सामने लॉ कॉलेज आ गया, ठीक है अभी यहाँ से मुड़ जाएंगे, ठीक है ये सारा लॉ कॉलेज है। ओके हो गया, यहाँ से हम बैग जा रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट्स दिखा दिए हैं, उसके बाद लो जी पीयू के सारे डिपार्टमेंट्स मैंने आपको दिखा दिए हैं, कोई भी एक भी डिपार्टमेंट नहीं छूटा ऐसा, क्योंकि आपको मैंने ना ही दिखाया होगा। ठीक हो गया, तो अब हम लोग यहाँ से लेफ्ट होंगे, लेफ्ट होकर सीधा ही रोड बाइक जाएगा, तो वो वहाँ पर जाकर हमारा ब्लॉग स्टॉप हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग पूछते हैं अपने जो हमारे साथ दोस्त हैं उनसे पूछते हैं जी किस तरह का आपका ब्लॉग लगा, फिर हम लोग उसको वाइंड अप कर देंगे। मिलने जी यहाँ पर बिलाल भी, मैंने सुना था यहाँ पर कोई गार्डन भी आता है पंजाब यूनिवर्सिटी आई थी आपको, आता है बोटैनिकल गार्डन आता है जी 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 वही वही चलें वो भी दिखाते हैं, चलें गार्डन भी दिखाते हैं, ठीक हो गया वो भी दिखाते हैं गार्डन भी, इनको विजिट करवाते हैं गार्डन लेफ्ट साइड पर रहेगा मेरे हिसाब से। गार्डन वाले बता दें गार्डन इस साइड पर कहीं गार्डन आता है, तो यहाँ पर आपको ज़रा गार्डन के बाहर ही हम लोग बिलाल भाई से पूछ लेंगे, क्योंकि उसके बाद जो आइए देखें कितना गार्डन आ गया। लो जी आपको ज़रा यहाँ पर हम ज़रा दो मिनट वेट करते हैं, वेट करके आपको दिखाते हैं गार्डन यहाँ पर ज़रा। लो जी गार्डन का गेट खुला हुआ है कि नहीं खुला ये अब हम देख लेते हैं, क्लोज है गेट तो यहाँ पर क्लोज है, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग तो देखें जी ये सारा आपके पास बॉटनिकल गार्डन है, बोटैनिकल गार्डन जिसे कहते हैं, ठीक हो गया, तो ये सारा आपके पास गार्डन आ गया।
तो अब यहाँ पर एंट्रेंस देखें, इस टाइम तो बंद है, वरना आपको मैं यहाँ का अंदर का भी विज़िट करवाता। तो बिलाल अंदर विज़िट कर लें, साइड से रास्ता है, आ जा, आ जाओ, आ जाओ। बाइक इधर ले आ, गाड़ी इधर लगा दे। लो जी, ये अब हम लोग बॉटनिकल गार्डन के अंदर आ चुके हैं। तो ये बिलाल भाई के साथ हम लोग यहाँ पर विज़िट करते हैं, साथ हमारा एक और दोस्त है। तो जी ये देखें जी, यहाँ पर अगर आपको मैं बता दूँ, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, ये देखें जी, बॉटनिकल गार्डन यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, ठीक हो गया। तो ये सारा इसका गेट है। तो एंट्रेंस इसकी जो है वो हम लोग देख लेते हैं, एंट्रेंस इसकी यहाँ से है मेरे हिसाब से। तो लो जी, हम लोग आ गए हैं गार्डन के अंदर, आ गए हैं। लो जी, गार्डन के अंदर सबसे पहले तो आपको वो कबे वाली कहानी याद आ गई होगी, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक कवा, सारी आपको कहानी पता ही है। देखें जी, ये वो गढ़ा आ गया जो उसके अंदर जब कवे ने कंकर डाले थे, तो उसके बाद जो पानी ऊपर आया और कवे ने प्यार उठ गया, सारी कहानी वही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें जी, ये देखें कितना प्यारा यहाँ पर हो रहा है गार्डन का, ठीक है, गार्डन बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो अब हम लोग सारा तो नहीं विज़िट करवा सकते आपको, क्योंकि गार्डन के अंदर जो है वो गाड़ी आ नहीं सकती, तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा आपको अभी विज़िट करवा देते हैं। ठीक हो गया, ये सारे गार्डन है, ठीक हो गया। तो लो जी, ये सारा गार्डन आपको दिखा दिया, एक मिनट यार। तो ये देखें जब, अब हम लोग जो हैं गार्डन से बाहर आ चुके हैं, तो अब हम लोग जो हैं ये बिलाल भाई से पूछते हैं कि आपको किस तरह की लगी पंजाब यूनिवर्सिटी की सैर। इन्होंने भी ज़रा सैर पूरी यूनिवर्सिटी की पहली दफ़ा ही किया है मेरे हिसाब से। तो चलें, ये बिलाल, ये ऑलमोस्ट हर बच्चे का ही ड्रीम होता है कि हमने पीयू को विज़िट करना है। तो ऑलमोस्ट पीयू में 80 प्लस डिपार्टमेंट हैं, तो हमने आपको ऑलमोस्ट कंप्लीट ही विज़िट करवा दी है, कोई एक आधा रह गया होगा दरमियान में, तो उसकी खैर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा जी ब्लॉग अच्छा लगा होगा और हमने आपको खूब इंजॉय करवाया है। तो देखें जी, बिलाल भाई ने आपको सारी हिस्ट्री बता दिया कि हर बंदे का ख्वाब होता है कि पीयू आए, पीयू की जो है वो सैर करें, तो हमने आपको घर बैठे सैर करवा दिया, ठीक है। तो आपको सैर तो हमने करवा दिया, पर हम लोग थोड़ा सा ही रह गया हमारा भी लोग, इसके बाद ये बस ये आउटसाइड आ गई है जहाँ से हमने बाइक चले जाना, इनसाइड से आपको सारा मैंने विज़िट करवा दिया, ठीक है। तो अब जो है जरा हमारा एक दोस्त जो है वो अंदर घूम रहा है, वो बाहर आता है, तो फिर जो है हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो जी नाज़रीन, अब हम लोग ये देखें बाहर जो है हमारी, जहाँ पर हम लोगों ने जाना था एंट्रेंस, वहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ पर यह गेट आ चुका है पंजाब यूनिवर्सिटी का, जहाँ से हम लोग एंटर हुए थे। तो ये था आज का हमारा व्लॉग। तो आप लोगों ने हमें कमेंट में लाजमी बताना कि आप लोगों को हमारा व्लॉग जो है वो आज का कैसा लगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है वो हमारा व्लॉग जो है वो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। तो अगर इस तरह के और मज़ीद आप लोग व्लॉग देखना चाहते हैं, तो आप लोग जो हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। तो आप लोगों को पंजाब यूनिवर्सिटी की हम लोगों ने सैर करवा ही दी है, तो यहाँ पर आप लोग देख लें ये जी पंजाब यूनिवर्सिटी। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।